फार्म रहता तो उस फार्म में ऐसा बटरफ्लाई या फिर मधुमक्खी का बॉक्स लगा के पॉलिनेशन करा सकते हैं। बहुत नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको जो प्लांट दिखा रहे हैं ये स्वीट जो तामरान होता है, स्वीट इमली भी बोला जाता है, उस वैरायटी के हम प्लांट आपको दिखा रहे हैं। ये जो प्लांट है लगभग 25 इंच ड्राम में लगा हुआ है। सो इस प्लांट में ये तो लगभग 3-4 साल में ही फलना चालू हो जाता है। आप फलों की मात्रा देख सकते हैं। ये जो है कच्चे में पकता तो स्वीट होता है, पूरा तो स्वीट नहीं होता है। स्वीट पूरा होता तो तामरान नाम ही नहीं दिया जाता था। ये थोड़ा सा स्वीटनेस रहता है, इसीलिए इसको स्वीट तामरान बोला जाता है, स्वीट इमली बोला जाता है। सो इस पेड़ में आप देखिए, छोटा सा पेड़ है, ड्राम में है, इसीलिए इसका ग्रोथ थोड़ा सा स्लो है। और इस पेड़ में आप देख सकते हैं कितना फ्लावरिंग का मात्रा, कितना अच्छा फ्लावर उसे भरा हुआ है, पूरा की पूरा पेड़, पूरा की पूरा प्लांट देख सकते हैं कितना अच्छा फ्लावरिंग से भरा हुआ है। अभी तो जून का महीना है, जून का आज 20 तारीख है और इस टाइम तो फ्लावरिंग का भी टाइम है इसका तामरान का। सो वही सब देखिए, इस प्लांट में पोलिनेशन भी हो रहा है, इसमें बटरफ्लाई पोलिनेशन करा रहा है, तो इसीलिए इसमें फल भी बहुत अच्छा से सेट होता है, फल उतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता है। सो देख सकते हैं कितना अच्छा प्लांट है इसमें। और ये वैरायटी कमर्शियल फार्मिंग के लिए बहुत जगह में बहुत परफेक्टली काम होता है। देखिए इधर आपका फल भी सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं, इधर देखिए फल भी सेट हो चुका है। आज का डेट में देख सकते हैं फल, कितना छोटा सा फल आया है। सो जो वैरायटी है बहुत ही अच्छा है वैरायटी, हम इसका भी प्लांट प्रोवाइड करते हैं फार्मर के लिए। ज़्यादा प्लांट हम लोग प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि ये कमर्शियली बहुत कम लोग ही लगा पाता है, क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा सा कॉस्टली है, ज़्यादा है। सो इसीलिए तो देख सकते हैं आप, छोटा सा 25 इंच ड्राम में इतना ज़्यादा फल आया है, मतलब 3 साल में आ जाता है, 2.5-3 साल में इसका फल आना चालू हो जाता है। तो अब सोचिए, इस प्लांट 5 साल का होता तो मिट्टी में लगा हुआ रहता तो इसमें बहुत बड़ा पेड़ हो जाता था और बहुत ही ज़्यादा फल आता था। सो वही हिसाब से देखिए इस प्लांट में कितना अच्छा फल आया हुआ है और गुच्छे में कितना अच्छा से फ्लावरिंग आ रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा फ्लावरिंग आ रहा है, इस जगह आप देखिए बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। और इसका फ्लावर भी बहुत ही खूबसूरत होता है, जैसा कि आप देख पा रहा है वीडियो में। सो इस वैरायटी की पर रिक्वायरमेंट रहता तो कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस चैनल को नया ऐसा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपका फ्रेंड के साथ, क्योंकि हम लोग क्वालिटी रखने के लिए कोशिश करते हैं, अच्छा क्वालिटी रखते हैं, अच्छा प्लांट प्रोवाइड करते हैं किसान भाई के लिए। देखिए बटरफ्लाई का पॉलिनेशन करा रहा है। सो ऐसा ही पॉलिनेशन कराया जाता है। ओके, आप कोई आपका फार्म रहता तो उस फार्म में ऐसा बटरफ्लाई या फिर मधुमक्खी का बॉक्स लगा के पॉलिनेशन करा सकते हैं, बहुत परफेक्टली पॉलिनेशन होता है। कोई भी प्लांट, फलों की प्लांट लगाता तो उसमें ऐसा करके पॉलिनेशन कराता तो ड्रॉप बहुत ही कम होता है, 5% से 10% ड्रॉप होता है, और पॉलिनेशन नहीं कराएंगे तो 50% के ऊपर भी झड़ जाता है। सो सबसे परफेक्ट तरीका होता है पॉलिनेशन का, वो है आपका जो मधुमक्खी का बॉक्स लगाना। आपका फार्म में 4 कोने 4 बॉक्स लगा देंगे तो बहुत अच्छा से पॉलिनेशन हो जाएगा। सो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।